शिवाजी राय सर, जेपी नड्डा साहब कह रहे हैं कि घोषणा पत्र जो है और दलों के लिए और पार्टियों के लिए औपचारिकता हो सकती है, हमारे लिए औपचारिकता नहीं है ये। हमारे लिए मतलब भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो है घोषणा पत्र वो विकास का रोडमैप होता है। तो विकास का ये जो रोडमैप है उसको आप कितना सकारात्मक रूप में देख रहे हैं, चूंकि उसमें युवाओं की बात भी हो रही है, किसानों की बात भी उन्होंने की है, महिलाओं की बात भी करने की बात वो कह रहे हैं, और भ्रष्टाचार की बात तो खैर जो मैं सवाल शुरू से कर ही रहा हूँ। शिवाजी राय सर, तो मैं कहूँ सबको नमस्कार। जो इनका घोषणा पत्र है 2014 में देखा गया था, जो इनका मैनिफेस्टो था, उस मैनिफेस्टो पर जब बात हो रही थी, सरकार जब बना लिया 2014 में, तो कुछ लोगों ने पूछा, अमित शाह जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे कांग्रेस भाजपा के, लोगों ने पूछा कि 15 लाख रुपए खाते में देने की बात थी और 2 करोड़ नौकरियों की बात थी। तो अमित शाह जी ने तो स्पष्ट कर दिया था 2014 में, अब गृह मंत्री है देश के, कि वो जुमला था, वो चुनावी जुमला था। ये तो 14 में कह चुके हैं वो, कि हमें जो हमारा घोषणा पत्र जो होता है चुनावी जुमला होता है। फिर उस घोषणा पत्र को लेकर आगे देखें तो उन्होंने जो घोषणा पत्र में लिखा वो कहीं दिखाई नहीं देता है, बल्कि उससे इतर चीजें दिखाई देती। 14 में जो घोषणा पत्र आया 2 करोड़ नौकरियों का देने का हर साल, वो नौकरियां कहीं दिखाई नहीं दी। 15 लाख खाते में जाने का वो दिखाई नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर का मामला वो कहीं दिखाई नहीं दिया। बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार को कहीं दिखाई नहीं दिया। अच्छे दिन की बात कहीं दिखाई नहीं दिया। उससे इतर जो है, 8 नवंबर अभी बीता है, 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई और उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार तो हुए ही, MSME जो छोटी छोटी कंपनियां थी वो मर गई। तो ये उनका रोड मैप जरूर था कि जो छोटी कंपनियां मर जाए तो बड़ी कंपनियों कब्जा हो जाए, अब मझोली कंपनियां मरे तो सबसे बड़ी कंपनी कब्जा हो जाए। तो वो साफ दिख रहा है उनका रोड मैप कि 2016 की नोटबंदी जो 8 नवंबर हुई, और उन्होंने कहा कि 50 दिन का समय दीजिए और नहीं तो किसी चौराहे पर बुला लीजिएगा, जो नोटबंदी सफल नहीं हुई तो ना आतंकवाद खत्म हुआ उससे, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। बल्कि ये खबर है और डेटा है कि स्विस बैंक में काला धन और ज्यादा बढ़ गया, मैंने परसेंटेज में ज्यादा बढ़ा है उस हिसाब से। तो वो जो रोड मैप इनका ये हो सकता है, काला धन को बढ़ा देना है, और जिनको बढ़ाना था उनका जो उन्होंने कभी घोषित नहीं किया कि अडानी को बढ़ाएंगे और अंबानी को बढ़ाएंगे, उनकी बेचैनी होती है ना, उनका रोड मैप है, उनकी चर्चा कर दीजिए, अडानी का चर्चा कर दीजिए, उनका वही रोड मैप था, वही उनका ब्लू प्रिंट है। तो अडानी की चर्चा करें तो उनको गुस्सा आ जाता है और गालियां देने लगते हैं मोदी जब अडानी जी का नाम लेना होता है तो, और सदन के अंदर और सदन से बाहर जो हो रहा है वो लोग देख रहे हैं। उनके रोड मैप में था कि गरीबी को बढ़ा देना है, GST लागू किया उन्होंने। GST जो है, चाय की दुकान वाला GST दे रहा है और हर आदमी जो चाय पी रहा है वो GST दे रहा है। तो चाय पीने वाला, तरकारी खरीदने वाला, दाल खरीदने वाला, सब्जी खरीदने वाला, कपड़ा खरीदने वाला, कैंसर की दवा खरीदने वाला, कफन खरीदने वाला, इस लेवल पर जाकर वो GST दे रहा है और आदमी। तो इनका रोड मैप तो यही था पहले से जो हो रहा है, और उसका नतीजा ये हुआ कि 80 करोड़ लोगों को ये मंच से कहते हैं, 80 करोड़ लोगों का मतलब हो गया कि 60% से लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, इनको 5 किलो अनाज देते हैं, वो भी राइट टू फूड 2013 में काफी आंदोलन किया कम्युनिस्ट पार्टियों ने और कांग्रेस सरकारें बनाई थी लगातार, जो कानून बने थे राइट टू फूड का कानून, राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून, मनरेगा का कानून और राइट टू एजुकेशन का कानून, सारे कानून बने, उन कानून जो जनता के हित में कानून बने थे वो रोडमैप उनका ये था कि सारे कानूनों को धत्ता बता दिया। और राइट टू फूड के तहत जो भोजन लोगों को मिलना चाहिए था वो जो है उन्होंने कहा 80 करोड़ लोगों को भोजन मैं देता हूँ, और उस छोटे से पैकेट खरीद करके जो पैकेट में खरीदारी कितनी हुई होगी, कितना पैसा आया होगा, उस पर अपना नाम लिखवाते हैं, फोटो छपवा देते हैं और देश दुनिया में घूम कहते 80 करोड़ लोगों को मैं भोजन देता हूँ। तो भारत का जो, भारत की जो आम नागरिक जो भारत का है, जिनके नागरिक अधिकार है जो संविधान में दिया हुआ है, उन नागरिक अधिकार के तहत उनको रोजगार मिलना चाहिए था, और नागरिक का जो अधिकार होता है उसको दवाई मिलनी चाहिए थी, उसको शिक्षा मिलना चाहिए था, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए थी। इनके रोड मैप में देश का जो जो, जो नागरिक अधिकार जो हमारा है और जो संविधान कहता है 2014 से लेकर 18 तक तमाम जो चीजें बनी है कि हमें मिलना चाहिए स्वतः शिक्षा का अधिकार मेरा है, जो कानून भी बन गया, उसके बाद कानून भी बन गया है। तो शिक्षा तो खत्म कर दिया इन्होंने, हमले बोला, यूनिवर्सिटी पर हमला बोला, यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया,
न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो इनकी आई है 15 साल के अंदर, उसमें रोड मैप उनका है उसमें कि 15 सालों के अंदर ऑल डिग्री कॉलेजेस बंद कर दिए जाएंगे और जिले में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी, 2% लोग पढ़ने वाले होंगे यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन जाने वाले, कक्षा 6 से स्किल्ड लेबर बना दिया जाएगा, कक्षा 6 से जो पढ़ने बच्चा जाएगा उसमें स्किल बनाया जाएगा। हम लोग को याद है कि जब कक्षा 8 पास बच्चों को आईटीआई में पढ़ने की एडमिशन मिलती थी आईटीआई में, तो हल्ला हुआ, बहुत आंदोलन चला इस पर कि आप उनके जो है उनके अंदर चेतना नहीं है, कक्षा 8 के बच्चे की चेतना नहीं आई और आपने उसको कक्षा 8 पर आईटीआई भेज दिया, मतलब स्किल लेबर बना रहे हैं। तो ये उस दौर की बात है जब हम लोग छोटे थे, पढ़ रहे थे अभी, और उसके बाद से हाई स्कूल पास किया गया कि आईटीआई में हाई स्कूल पास होना चाहिए, अभी कक्षा 6 से स्किल लेबर बना देंगे उसको, तो जो हायर एजुकेशन जाने कोई सवाल नहीं उठता है, यूनिवर्सिटी को खत्म कर देना है। हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी बनी थी उसकी जो ऑटोनॉमी थी कि सिलेबस पढ़ाई वो यूनिवर्सिटी तय करेगी, उसका अधिकार होगा, इन्होंने जो नई ऑटोनॉमी बनाई यूनिवर्सिटी की, कहा कि रिसोर्सेज आप इकट्ठा करिए, सिलेबस हम तय करेंगे, मतलब सिलेबस जो है सरकार तय करेगी, वो क्या पढ़ाया जाएगा, हिंदू मुस्लिम पढ़ाया जाएगा, इतिहास किनका पढ़ाया जाएगा किनका नहीं पढ़ाया जाएगा, एनसीईआरटी से इतिहास से क्या क्या निकाल दिया गया, अब देख रहे हैं ये रोड मैप इनका था। और यूनिवर्सिटी रिसोर्सेज जो है अपने तरफ से ला करके कहां से लाएगी, ये उनका रोड मैप था। अब महिलाओं पर आ जाते हैं, जो हाथरस कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, वो क्या हुआ सबने दुनिया ने देखा उसको, और उनाव कांड हुआ, उन्हीं का एमएलए शामिल था उसमें, क्या हुआ शाहजहांपुर पूर्व गृह मंत्री, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री उस मामले में शामिल थे, उस लड़की के मामले गृह राज्य मंत्री शाहजहांपुर वाले कांड में उस लड़की के साथ क्या हुआ, आपने अभी मणिपुर देखा आपने, फिर आपने अभी जो जो स्थिति अभी बनी है वहां हरियाणा में क्या हुआ आपने देखा, कठुआ में क्या हुआ देखा, उन्हीं की पार्टी कार्यकर्ता शामिल था। ये पूरे देश में जो महिलाओं के साथ हुआ जो हो रहा है और हुआ, ये मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे शर्मनाक हुआ जो मणिपुर में हुआ, और मोदी जी नाम नहीं लिए मणिपुर का, सदन में जो है स्थगन प्रस्ताव के बाद उन्होंने उन्होंने 10-12 सेकंड नाम लिया है या 36 सेकंड नाम लिया पूरे भाषण में मणिपुर का। मिजोरम डर के मारे नहीं गए कि मणिपुर का सवाल खड़ा होगा, वहां का मुख्यमंत्री उनसे मंच से उन्हीं का समझौते में सरकार है वहां पर है, और वहां का मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो है मोदी जी के साथ मंच शेयर नहीं कर सकते हैं, ये स्थिति उनकी बन गई। तो महिलाओं के सवाल पर ठीक है, अब जेपी नड्डा जी क्या बेचते हैं, आपको याद होगा कि 2019 का जो है घोषणा पत्र किसने जारी किया, मोदी जी ने जारी किया, और मोदी जी बात जान रहे हैं कि पांचों राज्यों में हार रहे हैं, इसलिए घोषणा पत्र जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष से जारी करवाइए ताकि ये जिम्मा हार का जिम्मा इनके जाए, जीत जाए तो मोदी जी का बल्ले बल्ले है। इसलिए जेपी नड्डा तो कुछ बेच नहीं रहे, मैं जान रहा हूँ अच्छी तरह, देश जान रहा है कि जेपी नड्डा की क्या बिसात है पार्टी के अंदर, कैसे है क्या है, और जो जेपी नड्डा की बिसात है वही बिसात लोकसभा अध्यक्ष की भी है कि कैसे महुआ मोहित्रा का जो है इथिक्स कमेटी ने पहले नोटिस दिया और उनका नोटिस लिया ही नहीं, तो महुआ और मैं खत्म कर रहा हूँ, महुआ मोहित्रा महिला है कैसे बेइज्जत किया गया सदन से लेकर बाहर तक उनको बेइज्जत। शिवाजी राय साहब एक चीज और, जो अभी मॉडल की बात हो रही थी, एक समय था जब गुजरात मॉडल पूरे देश में खूब बेचा गया, राज्यों के चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव तक और फिर राज्यों के चुनाव तक, हर बार किसी भी स्टेट में चुनाव हो वहां पर गुजरात मॉडल की बात होती थी, लोकसभा में बात हुई गुजरात मॉडल की बात हुई, लेकिन अब ये गुजरात मॉडल जो है कहीं खो सा गया है, अब इस गुजरात मॉडल का जिक्र नहीं होता है, लेकिन राहुल गांधी ने अब ये मॉडल का कॉन्सेप्ट उठाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने आज बकायदा स्टेटमेंट दिया है कि हमारा हर स्टेट जो है एक हर स्टेट में एक नया मॉडल डेवलप हो रहा है। बीते दिनों जिस तरीके से हम लोग जिक्र करते हैं, कई बार आप लोगों की तरफ से बात कही जाती है कि कर्नाटक में जो चुनाव हुआ वो बहुत अलग टाइप का चुनाव था, हिमाचल में जो चुनाव हुआ वो बहुत अलग टाइप का चुनाव था, क्योंकि वहां पर स्थानीय स्तर पर मुद्दों की बात की गई। फिर यही चीज अभी मध्य प्रदेश में देखी गई, प्रियंका गांधी इस के लिए शायद राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये रोल डिसाइड किया गया है कि वो जिस क्षेत्र में जाएं वहां के पर्टिकुलर मुद्दों की बात करें कि उसके लिए कांग्रेस की सरकार क्या करने वाली है, क्या कर रही थी, क्या करेगी। तो इस तरीके की जो बात, तो ये जो मॉडल अब राहुल गांधी बात कर रहे हैं,
इस मॉडल से लोग कनेक्ट हो पाएंगे, जब गुजरात मॉडल को फ्लॉप होता हुआ पूरा देश देख चुका है, पूरे देश में उसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई और अब उतना ही निगेटिव इस स्टेट मॉडल को लिया जाता है, तो क्या अब ये इस स्टेट के मॉडल को राहुल गांधी वाले मॉडल से लोग जुड़ पाएंगे? जी, हमारा जो पुराना मॉडल है इसमें स्टेट का ही मॉडल रहा है। भारत जो है अलग अलग भौगोलिक स्थिति हमारी अलग अलग तरह की है, कहीं पहाड़ है, कहीं समुद्री की इलाका है, कहीं जो है प्लेन एरिया है, और इस तरह से आप देखेंगे तो पूरा राज्य अलग अलग राज्य बना हुआ है, भौगोलिक और भाषाई आधार बना हुआ है। 1956 में एक जो सर्वे हुआ था और जो राज्यों का परिसीमन हुआ था, उस परिसीमन में राज्यों की जो आर्थिक स्थिति थी और जो उसका आर्थिक आधार था उसके आधार पर राज्यों का गठन हुआ था और उस पर राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1956 में। हम लोग आज वही मांग करते रहे हैं, जैसे पूर्वांचल की लड़ाई हम लड़ रहे थे तो कहते पूर्वांचल और पश्चिमांचल में अंतर है, भाषाई अंतर भी और भौगोलिक अंतर भी है और आर्थिक आधार भी अंतर उसका अंतर है, बहुत बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश है, जैसे तेलंगाना राज्य उसी आधार बना हुआ है, भौगोलिक और आर्थिक और भाषाई आधार उसका अलग अलग है। इसीलिए हमेशा ये जो लोकल होना चाहिए मॉडल हमेशा, और भारत में बिना लोकल मॉडल काम नहीं चलेगा। कर्नाटक का मॉडल यूपी में काम नहीं करेगा, गुजरात का मॉडल पूरे देश में काम करेगा तो उसमें कुछ चीजें काम करेगी। जैसे आज चल रहा है मोदी जी का एक मॉडल चल रहा है, जैसे बुलडोजर है, बुलडोजर यूपी में आ गया है तो यूपी की संस्कृति का बुलडोजर नहीं है, लेकिन गुजरात में जो 2002 का जो मॉडल है, 2002 का मॉडल तो पूरे देश में काम करेगा। आज बात देखिए पूरे 2002 का मॉडल उनका इसराइल और गजा में काम कर रहा है, तो वो 2002 का मॉडल वो था उनका, वो जो घटना वहां पर हुई और 3500 लोग जो है उनका है राणा आयोग की जो किताब है उसे 3500 लोग और कैसे मारे गए सब जानते हैं, एक मॉडल वो था, लेकिन एक्चुअल विकास का मॉडल नहीं था। इसीलिए 19 के बाद मोदी जी ने नाम लेना बंद कर दिया गुजरात मॉडल का, 19 के बाद नाम नहीं लिया, क्योंकि 19 में जो घटना हुई पुलवामा की घटना नहीं हुई होती तो मोदी जी चुनाव नहीं जीत सकती थी, ये सारे लोग जान इस बात को। 22 में यूपी में गुजरात मॉडल नहीं नाम लिया गया, कहीं नाम ही नहीं लिया गया, लेकिन राज्यों का मॉडल रहा है, पुराना मॉडल है, उसी मॉडल को लेकर के लोगों को आना चाहिए था, जो राहुल गांधी जी लगातार इस बात को कर रहे हैं। कर्नाटक का मॉडल, बंगाल का मॉडल, असम का मॉडल, हिमाचल का मॉडल, पंजाब का मॉडल, पंजाब का मॉडल यूपी नहीं चलेगा यूपी में, इसलिए यूपी का मॉडल अलग होगा, बिहार का मॉडल अलग होगा। यूपी और पूर्वी यूपी और बिहार हमारी संस्कृति, हमारी संस्कृति और भाषा और रोजगार और व्यवहार मिला हुआ है, तो मॉडल तो लोकल होना चाहिए, जो स्टेट लेवल होना चाहिए वो बिल्कुल वही सही है जो पहले से आ रहा था, बीच में कहीं भूल हुई है, कहीं कहीं चीजें जो है डिस्कनेक्ट होने के नाते एक गुजरात मॉडल चल गया, नहीं तो चलता नहीं, कहीं पर चला, लोगों को मालूम नहीं था। अंधे विकास की दौर में लोगों को लगा कि गुजरात, गुजरात में सूरत और अहमदाबाद, हमारे गुजरात के साथी बैठे हुए, कार्य साथी बैठे हुए हैं, अहमदाबाद और सूरत आजादी के पहले का सूरत जो है ट्रेड सेंटर बना हुआ, आज का नहीं है, बंगलौर और सूरत और बम्बई और कलकत्ता, तो मोदी जी ने कोई अलग से मॉडल दिया नहीं था, 10 सालों में कोई मॉडल नहीं बनता, कोई स्टेट मॉडल नहीं बनता है, क्योंकि मॉडल के साथ कल्चर आता है, भाषा आती है उसके साथ, और आर्थिक विकास के साथ साथ जो समावेशी विकास होता है, कि जो विसंगतियां हैं, एक तरफ विकास बहुत बड़ा हो गया, एक तरफ जो 24 मंजिला इमारत खड़ी हो जाए और एक आदमी बगल में झुकी हो, आपको घटना याद होगा कि जिग्नेश मेवानी ने उस मामले को उठाया था कि वह दलित जो है जो पशुओं को उठा के ले जाते थे, कैसे उनकी पिटाई की गई उन दलितों की, बड़ा मामला उठा था, एक तरफ तो दलित बिरादरी है कि पशुओं को उठा कर ले जाकर चमड़े उसकी चीरती है मरे हुए पशुओं को, और एक तरफ आप कहते हैं कि जो मॉडल है जो अहमदाबाद और सूरत जो बना हुआ है और बहुमंजिली इमारतें बनी हुई है, नो डाउट कि वहां सबसे ज्यादा कारपोरेट वहां पर है, ये समुद्री इलाका है, लेकिन मॉडल नहीं है वो, वहां का मॉडल सबसे खराब है। इसीलिए वो 2019 में 24 फरवरी को, मुझे याद है 24 फरवरी होगा मुझे लगता है, ट्रंप नमस्ते ट्रंप होना था गुजरात में, नमस्ते ट्रंप, और वहां पर तमाम दीवार खींच दी गई कि वो गरीब की बस्तियों को देख न सके, ट्रंप देखे ना, और ट्रंप नमस्ते ट्रंप ने निजी यात्रा पर आए थे गुजरात में, 30,000 करोड़ का उनकी लड़की वांका के साथ कारोबार हुआ देश से, निजी यात्रा पाए थे, तो उनको मुनाफा देने के लिए और कारोबार करने के लिए नमस्ते ट्रंप हो गया, और उसके बाद लॉकडाउन किया गया, जबकि राहुल गांधी ने पहले कहा
कि कोरोना आ रहा लॉकडाउन हो जाना चाहिए, पहले कहा था उन्होंने राहुल गांधी ने, लेकिन वो जो 2020 में जाकर लॉकडाउन हुआ और जिस तरह से लोग भागकर शहरों से आए वो भी एक मॉडल था कि अचानक लॉकडाउन किया गया और थाली और ताली बजवाया गया, तो एक मॉडल है, लोग भूल गए उस मॉडल को। मोदी जी खुद ही उस मॉडल को जुबान नहीं ला सकते हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती पड़ेगी। लेकिन राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं ये हमारा पुराना मॉडल है, ये बहुत पुराना मॉडल है। हर राज्यों का अलग अलग आर्थिक विकास था, संस्कृति हमारी है, भाषाई विकास है, इस आधार पर मॉडल होना चाहिए, वो राज्य होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक चलेगा। बिल्कुल जी,